प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साइंस का फूड वी ईट लेसन करेंगे, जो जिसमें सबसे पहले हम फूड के बारे में, पता आप सभी को फूड क्या होता है, फूड मींस भोजन, वी गेट यानी कि हम भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके क्या क्या स्रोत हैं, इसके बारे में। वी नीड फूड टू लिव, विदाउट फूड वी नॉट लिव। और सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज मीन्स स्रोत, भोजन के स्रोत, ये हमें दो तरीकों से प्राप्त होता है। जो पहला है वो है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। पहले हम प्लांट्स से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में, फूड के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला है फूड फ्रॉम प्लांट्स में, वो है सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स अनाज, सीरियल्स मीन्स अनाज। अनाज ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यह 10 नंबर एक वीट, WHEAT वीट। नंबर दो राइस, RICE राइस। और आगे हैं नंबर तीन मेज, MAIZE एक्सेट्रा। मेज मीन्स मक्का। उसके बाद आगे नंबर दो पे आएगा हमारा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। सब्जियों से भी हमें भोजन प्राप्त होता है, और वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, जैसे पटैटो, PO पोटैटो, कैरेट CRROT कैरेट, रेडिस RADISH एक्सेट्रा। रेडिस मीन्स मूली। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या कौन कौन से आएंगे, जैसे बनाना हो गया BANAN बनाना, मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। नंबर चार है बीवरेज। बीवरेज मीन्स पेय पदार्थ, जैसे टी, कॉफी एक्सेट्रा, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। और पांचवें नंबर पे है पल्सेज। पल्सेज मीन्स दाल, इसका भी हमें हमने जो है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ। दालें जैसे मूंग, MOONG मूंग, ग्राम एक्सेट्रा, इनसे भी हमें भोजन प्राप्त होता है। और जो लास्ट में है शुगर, शुगर मीन्स चीनी। चीनी हमें कहाँ से मिलती है, शुगर कैन, गन्ने से। और शुगर कैन से एक चीज़ और मिलती है, वो है जैगरी। इसे क्या बनता है, जैगरी, JAGGERY जैगरी मीन्स गुड़। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल से प्राप्त होने वाले फूड के बारे में। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन, तो जिसमें सबसे पहले है एग्स, अंडा। ये हमें किस किस से प्राप्त होता है, पहला है हैन, दूसरा डक। हैन मीन्स मुर्गी, डक मीन्स बत्तख। इसमें हम गोट, गोट भी लिख सकते हैं GOAT गोट, बकरी। नेक्स्ट है मीट, ओ सॉरी गोट इसमें नहीं है, गोट इसमें GOAT गोट। हैन दोबारा इसमें आ जाएगा एक्सेट्रा। मीट मीन्स मांस। नंबर तीन पे है मिल्क, मिल्क बफेलो, BUFFALO बफेलो, COW काऊ एक्सेट्रा।
मिल्क दूध हम किस किस से प्राप्त कर सकते हैं, तो फैलों से, काऊ से एक्सेट्रा इत्यादि। इसमें कैमल भी आ सकता है, कैमल मीन्स ऊंट। आगे है सी फूड, समुद्री भोजन। सी फूड मीन्स समुद्री भोजन, जैसे कि नाम से पता चलता है सी समुद्र में क्या मिलता है, फिश मछली, क्रैब, केकड़ा एक्सेट्रा इत्यादि। और हनी, हनी मीन्स शहद। शहद हमें किससे मिलेगा, शहद हनी बी से, HENEY हनी BEE हनी बी। ये था हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। और जो मिल्क की बात करते हैं, मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। तो नेक्स्ट आगे करेंगे हम रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ मीन्स कच्चा, कुक्ड माने पका भोजन। कच्चा भोजन, जिस भोजन को हम कच्चे खा जाते हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया एक्सेट्रा। और कुछ भोजन ऐसे हैं जिन्हें पका के खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स होगी, वेजिटेबल्स में क्या क्या आ जाएगा, पटाटो, आलू, गोभी, लौकी एक्सेट्रा। आगे फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वेज। अब हम करेंगे फूड को पकाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। नंबर एक पे है रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भूनना, रोस्टिंग का अर्थ है भूनना। और कैसे, इसमें फूड इज कुक्ड ऑन डायरेक्ट हीट। इसके एग्जांपल है पनीर टिक्का एंड तंदूरी चिकन। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स उबालना। इसमें है राइस और एंड वेजिटेबल्स। इसमें क्या करते हैं, बर्तन में राइस को डाल के पानी में उबालते हैं। और इसमें कुछ सब्जियां भी है, जैसे आलू, पोटैटो हो गया, लौकी हो गया एक्सेट्रा। नंबर तीन पे है, थर्ड नंबर हमारा ग्रिलिंग। ग्रिलिंग ग्रिल पर पकाना। ग्रिल क्या होता है, एक लोहे की या स्टील की बनी होती है ग्रिल, जिसको किसी ओवन के ऊपर रखकर उस पर आंच पर उसको बना जाता है, बुना जाता है, जिसमें मीट आता है, इसमें मांस, इसको बोलते हैं कुकड़। आगे है स्टीमिंग। नंबर चार है स्टीमिंग। स्टीमिंग है इसका भाप द्वारा हम भोजन को कैसे पकाते हैं। इसमें मोमोस एंड इडली, ये साउथ इंडियन फूड है, दक्षिण भारत में खाया जाता है। नंबर पाँच पे है बेकिंग। बेकिंग आँच पर ही पकाया जाता है, बेकिंग जिसमें आते हैं केक एंड ब्रेड। और नंबर छः है फ्राइंग। फ्राइंग करके यानी कि तल के, इसमें समोसा और पराठा आते हैं। और ये जो फ्राइंग है, फ्राइंग के तीन प्रकार हैं, एक जो धीमी आँच पे, वो कम तेल में, एक ज़्यादा तेल में और एक मीडियम तेल में। उसके बाद आगे जो हमारा बच गया होता है, आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों, डिफरेंट फूड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है, जिसमें पंजाब है। पंजाब में कौन कौन से भोजन खाया जाता है, मनपसंद भोजन है पंजाब का मक्के की रोटी, सरसों का साग। मक्के की रोटी, सरसों का साग। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मनपसंद फेवरेट फूड है जो है पाव भाजी बेलपुरी। पाव भाजी बेलपुरी। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में राइस, फिश, संदेश, रसगुल्ला, ये भी फूड है वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु, तमिलनाडु में इडली डोसा मनपसंद है। राजस्थान, राजस्थान में क्या क्या खाया जाता है मनपसंद है, दाल भाटी चूरमा। और कश्मीर का जो भोजन है वो है कहवा और सिरमल। ये हमारे जम्मू कश्मीर का मनपसंद फूड है। अब आगे है एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, क्या बैलेंस्ड डाइट, BALANCED बैलेंस्ड, DIET डाइट, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, संतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व
उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं उसको संतुलित भोजन कहा जाता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल एक्सेट्रा। तो आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।